भाजपा के लोगों के द्वारा तो पिछली बार भी ऑफर किया गया था, इस बार भी किया गया है, लेकिन वो 4 सीट की बात कर रहे हैं, लेकिन हमने 12 लोकसभा सीटों पर तैयारी की है, तो इस बात का निर्णय तो हम लेंगे कि हम किसके साथ गठबंधन में चुनाव लड़ेंगे। तो ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं जिनको लेकर हमने अपना पार्टी का जो घोषणा पत्र जारी किया था, और जो भी हमारी उन मांगों पर सहमत होगा हम उनके साथ चुनाव में इस बार लड़ेंगे। राष्ट्रीय लोकदल नेता जयंत चौधरी की भारतीय जनता पार्टी के साथ जाने की अटकलों के बीच रालोद की बड़ी अहम प्रतिक्रिया सामने आ गई। पार्टी प्रवक्ता पवन आगरी ने भी बीजेपी के साथ गठबंधन के संकेत दिए हैं। उन्होंने कहा है कि जो भी दल किसानों के हित में बात करेगा हम उसके साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। आरएलडी के राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन आगरी ने कहा, ये चुनावी साल है, कई पार्टियां हमारे साथ गठबंधन के लिए पेशकश कर रही, हमारा राष्ट्रीय वजूद है और 9 विधायक है, निश्चित तौर पर कई दल हमसे गठबंधन के लिए तैयार है और बातचीत भी चल रही है। बीजेपी ने पिछली बार भी गठबंधन की पेशकश की थी, इस बार भी पेशकश की जा रही है। वो 4 सीटों की बात कर रहे हैं, लेकिन हमने 12 लोकसभा सीटों पर तैयारी कर ली, ये हम तय करेंगे कि किसके साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ेंगे। देखिए, ये चुनावी वर्ष है और सारी पार्टियां हमें ऑफर कर रही हैं, क्योंकि हमारा एक राजनीतिक वजूद है, हमारे 9 विधायक हैं, तो निश्चित रूप से बहुत सारी पार्टी हमसे गठबंधन के लिए आतुर है, तो बातचीत चल रही है। देखिए, वो कौन होते हैं इस बात को कहने वाले कि क्योंकि ये तो हमारी पार्टी का अपना वजूद है, हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व तो कहेगा। भाजपा के लोगों के द्वारा तो पिछली बार भी ऑफर किया गया था, इस बार भी किया गया है, लेकिन वो 4 सीट की बात कर रहे हैं, लेकिन हमने 12 लोकसभा सीटों पर तैयारी की है, तो इस बात का निर्णय तो हम लेंगे कि हम किसके साथ गठबंधन में चुनाव लड़ेंगे। देखिए, ऐसा है, जो जनता के और किसानों के हित के लिए जो भी पार्टी हमारी मांगों पर सहमत होगी हम उसके साथ चुनाव लड़ेंगे। देखिए, हमारी तो यही है कि जो हमारा वजूद है और जिनके लिए हमने संघर्ष किया है, चाहे वो कामगार लोग हों, चाहे जो हमारे युवा लोग हैं, हमारे जो बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, तो ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं जिनको लेकर हमने अपना पार्टी का जो घोषणा पत्र जारी किया था, और जो भी हमारी उन मांगों पर सहमत होगा हम उनके साथ चुनाव में इस बार लड़ेंगे। अब चलिए आपको आंकड़ों से समझाते हैं कि अचानक बीजेपी का जयंत के लिए प्रेम कहां से जाग गया और क्यों ये कहा जा रहा कि जयंत चौधरी को साधना बीजेपी के लिए क्यों जरूरी हो गया है। दरअसल पश्चिम यूपी में करीब 18% जाट आबादी है जो सीधे चुनाव पर असर डालती है, यानी जाट समुदाय का एक मुश्त वोट पश्चिमी यूपी में किसी भी दल की हार जीत तय करता आ रहा है। 2019 के चुनाव में जाट लैंड की 7 सीटों पर बीजेपी को हार मिली थी, बीजेपी को मुजफ्फरनगर मेरठ समेत 3 सीटों पर काफी कम अंतर से जीत मिली थी। अगर आरएलडी एनडीए के साथ आ जाती है तो फिर बीजेपी की जीत की राह आसान हो जाएगी। वहीं लगातार हार झेल रही आरएलडी भी समझ रही है कि राम मंदिर की वजह से पश्चिमी यूपी में भी बीजेपी लीड पर है, इसलिए बीजेपी के साथ जाने से आरएलडी को फायदा हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।